गुड मॉर्निंग दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 8 तारीख दिन मंगलवार, केशवपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं केशवपुर प्याज मंडी में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ माहौल बना हुआ है, किस तरह का जो है स्थिति है, क्या कुछ रेट खुला है, किस किस एरिया का माल जो है केशवपुर में आ रहा है और क्या कुछ रेटों में जो है तेजी है, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों एक बार आप सभी को माहौल दिखा देता हूँ। और इस समय जो है टाइम हो रहा है दोस्तों 11, आज मेरा बाइक पंचर हो गया था, इस कारण जो मंडी में लेट पहुंचा हूं और काफ़ी आड़तों पे जो है माल खाली नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं गाड़ियों पे भी जो है माल क्लियर है, इधर भी देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं जी। और अभी थोड़ा वो जो है फरों पे ही माल है। और दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर 41 पे, जानेंगे सर से आज का क्या कुछ पोजिशन देखने को मिला। और दोस्तों सर के पास जो है ये वाइट जाली में माल है और ये थोड़ा हल्के क्वालिटी में जो कमजोर छिलका पत्ती वाला माल है वो थोड़ा बहुत पलटा हुआ है, बाकी तो माल बिक चुका है सर का। देखते हैं आज का क्या रेट इनके पास बिका। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार सर जी। सबसे पहले आज का पोजीशन बताइए, आज मार्केट में जो है किस किस एरिया का माल आया, क्या कुछ रेट देखने को मिला सर? मार्केट में ज्यादा करके MP ही है और 13 गाड़ी के अराइवल है, 5 बैलेंस, 8 ताजी। अच्छा जी। और बाजार वही 18 से लेकर 22 रुपए। 18 से लेकर के 22 रुपए। सर बहुत लोग कमेंट बॉक्स में भी बोल रहे हैं, जो पीछे ही जो है नासिक के साइड है या फिर MP के साइड जो है VIP माल, बढ़िया माल जो है 18 से लेकर के 20 रुपए पीछे ही बाजार टाइट है, तो ये रिटेल मंडी में मतलब सर और जो लोडर मंडी है इसमें बहुत कम फर्क देखने को मिला। ये ऐसा कब से नहीं हुआ, पिछले आप हिस्ट्री उठा लो कितने सालों की। अच्छा जी। आप जब 50 रुपए 60 रुपए 70 रुपए के लोग प्याज भी हो रहे थे जी, तो जब नासिक 70 को पहुंचता था तो दिल्ली उस दिन 65 पहुंचती थी। अच्छा जी। तो ये तो रोड होता है, 4 दिन की रोड किस लिए मिलती है। अच्छा। तो दूसरी बात ये है कि जो वहां पर 20 रुपए का ऊपर में खोल रहे हैं भाव, वो 20 रुपए का हमारे इधर अराइवल ही नहीं है 20 रुपए वाले माल की। अच्छा जी। हम तो अपने यहाँ की क्वालिटी का ऊपर का भाव बता रहे हैं जी। क्या पता आपने वहाँ 18 वाला आज 20 किया और हमारे पास तो वो 16 वाला अभी डला हुआ। अच्छा जी। तो जो वहाँ पर बिल्कुल बढ़िया वाला है जो 20 तक है या 22 तक है या 21 तक है, जो भी रेट है जी, वो तो हो सकता है एक्सपोर्ट क्वालिटी हो, एक्सपोर्ट में जा रहा हो, इधर तो आया ही नहीं है वो। अच्छा जी। हम तो जो हमारे पास 13 गाड़ी में माल है उसकी पोजीशन बताते हैं। अच्छा जी। आप डालो हमारे पास 20 वाला 22 वाला। अच्छा जी। तब देखते हैं बाजार तेज होता है। अच्छा जी। मतलब अपनी मंडी में जो है चाहे किसी भी मंडी में माल आता हो, अब मैटर करता है क्वालिटी, किस क्वालिटी में आ रहा है, किस कंडीशन में आ रहा है और किस एरिया का माल है जी। जी। अच्छा। और यहाँ पे ग्राहक जो है किस रेट में पकड़ रहे हैं उसी के ऊपर रिपोर्ट बना करके दिया जाएगा। ये मैंने 19 रुपए 19.5 रुपए किलो बेचा है। अच्छा जी। और सर यही माल जो है पहले क्या रेट बिक रहा था सर? ये पहले 16 बिक रहे थे। अच्छा जी। मतलब तो, 3 रुपए टाइट हुआ है पहले। ये 3 रुपए टाइट की बात नहीं ना, ये तेजी के कारण बिका है, ये जगह पे थोड़ी है। अच्छा जी। ये जो आप रिपोर्ट दे रहे हो 18-20 की, जगह पे थोड़ी है। अच्छा जी। ये जगह पे तो आज भी बिक रहा है 15-16। अच्छा जी। पीछे बिल्कुल प्रोडक्शन क्वालिटी तो देखो क्या है। जी जी, एकदम छिलका पत्ती कमजोर है, कार्बन है, ये है वो है, कार्बन भी है। और सर इसमें और भी कुछ शिकायत है, गलन वगैरह का या फिर? हाँ ये सब कुछ है। अच्छा जी। दोस्तों देख सकते हैं प्याज का क्वालिटी आज जो है यहाँ पे इस तरह का प्याज जो है 19 रुपए बिका है, बाकी जी जो प्रोडक्शन मंडी में रेट तेज हुआ है चाहे 20 रुपए या 22 रुपए जो भी रेट बिक रहा हो, तो मैटर करता होगा शायद क्वालिटी पे, जो क्या पता वहाँ का क्वालिटी कुछ अलग ही नजर आता हो या फिर कुछ अलग ही हटके है या फिर सुपर छिलका पत्ती, सारा पे डिपेंड करता है दोस्त। बिल्कुल जी। तो सर आज जो है अपना MP साइड का प्याज जो टॉप से टॉप क्या रेट बिका और नीचे से नीचे क्या रेट बिका? बस यही 18 से 22 में बाजार आ गए आज के, जो टॉप से टॉप 22 से ऊपर नहीं गए अभी। अच्छा जी। और पीछे अराइवल में भी यहाँ पर कम नहीं है ना, जैसे दिल्ली या जाजपुर भी लगा लो, नीचे ऊपर मिलाकर 106 गाड़ी का माल है। अच्छा। लेकिन पीछे स्टैंड है इसलिए ये लोग बाहर स्टैंड करके बैठे हुए। अच्छा जी जी। और सर वही बात करें नासिक और पूना बेल्ट के प्याज का, तो उसका क्या बाजार है जी? पूना बेल्ट का भी कोई बढ़िया आ नहीं रहा, वहाँ पर माल कम हो गया है। अच्छा जी। वहाँ पर माल कम हो गया आने, तो कोई आ नहीं रहा वहाँ पर, उल्टा बाजार सुनने में टाइट खुला हुआ है। अच्छा। आज मतलब और भी टाइट है? आज तो नहीं, जो कल तक की रिपोर्ट है टाइट है, तो वहाँ के लोगों को तो पड़ता है नहीं, चाहे हम 22 बेच लें 23 बेच लें जी, क्योंकि वहीं भी कुछ लाट कल समय बात हुई 23-24 तक तो वहीं भी किया कुछ लाट, लेकिन माल अच्छा। की अराइवल नहीं थी। अच्छा जी। माल की अराइवल बनेगी तब पता लगेगा क्या ओरिजिनल पोजीशन है। कमेंट के माध्यम से भी काफी लोग बता रहे सर आजकल जो है वहाँ के पोजीशन बता रहे हैं, जो वहाँ बता रहे हैं कि जो काफी माल जो है डैमेज हो चुका है,
और कुछ ही परसेंट जो माल अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। नहीं अभी काफी है। अच्छा अभी काफी है, और अगर ज्यादा तेज होता है तो नेफेड भी उतरेगी, ऐसी क्या बात है, नेफेड भी उतरेगी मार्केट में, अभी माल मिल जाएगा। अच्छा उसके बाद महीना डेढ़ बाद नया चालू हो जाता है फसल, जैसी भी कमजोर या खराब। अच्छा बाकी अभी काफी माल है, इतना पैनिक वाले कोई हिसाब किताब नहीं है। अच्छा और सर बात करें जो पूना बेल्ट का प्याज है उसका क्या बाजार देखने को मिल रहा है यहाँ पे दिल्ली? पूना बेल्ट का जो बेस्ट माशाखोरी माल तो आया नहीं है। अच्छा जी वो होता तो वो 22-23 रुपए का बाजार था, पर वहीं तेज है तो लोगों को ये रिपोर्ट भी नहीं दे रहे। अच्छा जी तो आज क्या भाव बिका सर पूना बेल्ट का अपने मार्केट में? कोई खास अराइवल थी नहीं, 22-23 तक, 22 रुपए तक ही थे ये सब माल। अच्छा जी आज की मंडी हमारी मंडी 22 से ऊपर नहीं गई। अच्छा मतलब हाईएस्ट जो है 22 रुपए, चाहे पूना हो या फिर एमपी हो चाहे जी नासिक का सुपर क्वालिटी का प्याज हो। बिल्कुल। अच्छा जी और सर जी इस समय जो है राजस्थान वालों के पास क्या कुछ प्याज बचा हुआ है? सुनने में आ रहा सर किसानों के पास कम है, व्यापारियों के पास ज्यादा है। राजस्थान का प्याज किसानों के पास कम है जी, पर राजस्थान का प्याज ज्यादा स्टॉक होता नहीं है। अच्छा जी और टाइम टाइम बिक जाता है, राजस्थान की स्टॉक की इतनी रिपोर्ट नहीं है। अच्छा जी अपनी मंडी में आता भी कम है राजस्थान? आता भी कम। अच्छा इस बार फसल उसकी कोई खास मजेदार नहीं है, रेट बराबर के स्टैंड है, तो हम लोग तो 12 महीने यही बेचते हैं। अच्छा। गुजरात एमपी और महाराष्ट्र जी। और सर एक मैंने रिपोर्ट पढ़ा अभी, मैंने कल ही रात को ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था जी। तो एक जगह बताया गया कि जो एक क्रिसेल नाम से जो है न्यूज आर्टिकल छपा है, बिजनेस टाइम ऐसे ही बिजनेस करके कुछ था न्यूज पेपर का नाम, तो उसपे जो है बताया जा रहा है अगस्त के लास्ट तक जो है रिटेल में 60 से 70 रुपए प्याज बिकेगा, तो ये कहाँ तक है, अफवाह है क्या है या बिक सकता है? हाँ एक न्यूज़पेपर की जो कटिंग व्हाट्सएप पे भी शेयर हो रही थी उसमें उसने लिखा था, लेकिन उसने ये लिखा था उस न्यूज़पेपर में कि बिक रहा है। अच्छा उसमें ये नहीं लिखा था कि अगस्त के अंत तक बिकेगा। अच्छा मैंने जो कल बिक रहा है। अच्छा मैंने जो कल पढ़ा था आर्टिकल उसमें लिखा है कि जो अगस्त के लास्ट तक जो है रिटेल में 60 से 70 रुपए बाजार जा सकता है। जी। तो ये कहाँ तक लग रहा है, उम्मीद लग रहा है सर? और आने वाले दिनों में जो है किसान भाइयों को, प्याज के किसान भाइयों को क्या कुछ रेट मिल सकता है सर? देखो जी होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर अभी अगस्त के एंड तक ऐसा लग नहीं रहा। अच्छा 60-70 का नहीं लग रहा, तेजी में अच्छा। तो हो जाती है। नहीं मतलब जो हमारे किसान भाई है वो तो सर रिटेल की बात हो गई, 60-70 जो भी है। हाँ हाँ वो भी वो अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें हम अपने जो किसान भाई है तो उनको कहाँ तक रेट मिल जाएगा सर अगस्त के लास्ट तक, क्या अटेंडेंस क्या लग रहा है सर कुछ अंदाजा? तेजी तो लग रही है, 10 रुपए तक की तेजी और आ जाए जी, जो 20 से 30 तक हो जाए तेजी तो लग रही है। अच्छा पर वो 60-70 रिटेल वाला सिस्टम अगर बनाओगे जी तो जाहिर है कि 50 रुपए की मार्केटिंग होलसेल की होंगी तब ये लोग 60-70 चले जाते हैं जी। तो सर 50 रुपए की नहीं लग रही है। जैसे कि प्याज अभी मार्केट में आ रहा है जिस तरह का अराइवल आ रहा है मार्केट में, क्वालिटी आ रहा है, तो अंदाजा क्या लग रहा है सर कितने रुपए का तेजी टेंडेंसी अगर देखे अनुमान लगाए तो क्या कुछ अनुमान लगाया जा सकता है? और मतलब एक लगभग मतलब तेजी आएगा माहौल बनेगा, मतलब थोड़ा सा अंदाजा पता चल जाए कब तक माहौल बनेगा? बस ये अगस्त एंड तक पता लग ही जाएगा। अच्छा ऐसे तो धीरे धीरे जो बन रही है इसको देखते हैं एक दो दिन और जी के जाम होना शुरू हो जाता है या माल कम हो जाता है। अच्छा अगर जाम होना शुरू हो जाता है जी तो तेजी नहीं बनेगी अभी। अच्छा जी 10-15 दिन ये इन दिनों झटके चलते रहते हैं। अच्छा 5 दिन में लगता है कि यार तेजी नहीं हो रही है, बिक नहीं रहे हैं, थोड़ा ढीला हो जाता है रुपए दो रुपया। अच्छा 5 दिन बाद फिर 4-5 रुपए उठ जाता है। अच्छा ये हर साल ये अगस्त में जी सितंबर में यूं चलता रहता है। अच्छा। फिलहाल थोड़ी तेजी की उम्मीद है। अच्छा हो सकता है अगस्त के महीने में ये 30 रुपए किलो होलसेल में जाए। अच्छा अच्छा और ज्यादा वो 50-60 वाली अभी दिमाग काम नहीं जी। दोस्तों ये अनुमान लगाया जा रहा है, जो भी हम रिपोर्ट दे रहे हैं अभी अनुमान के तहत दे रहे हैं, बाकी डिपेंड करेगा अराइवल पे जो क्या कुछ अराइवल क्या कुछ क्वालिटी मार्केट में आता है। बाकी आप लोग जो है समझदार हैं, जितने भी किसान भाई देख रहे हैं आपका माल है आपका चीज है, आप अपने समझदारी से रखें और बेचें, जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं आप। समझ गया जी। तो सर आज का जो है मतलब कल का जो है बांग्लादेश का क्या रिपोर्ट है, क्या वहाँ पे अराइवल पहुंचा, क्या रेट खुला सर? बांग्लादेश 81 गाड़ी की रिपोर्ट है कल अच्छा की, 81 में समझ लो वहाँ के रेट बीजी टका में 36 रुपए से 42 रुपए तक के रेट गए। अच्छा जी
मतलब जिसमें सभी प्रकार के माल हैं जी। हाँ जी, सभी प्रकार के 36 से लेकर के 42 रुपए तक, जिसमें गोल्टा गोल्टी सुपर क्वालिटी के जो है गोल्टा, इस तरह के सभी माल मतलब के जो है सुपर क्वालिटी वो 34 से 38 तक का रिपोर्ट है। अच्छा जी, और बाकी अपना 38 से 42 ये नासिक वगैरह के हैं, नगर डिस्ट्रिक्ट के वहाँ है। अच्छा जी, तो सर क्या लगता है जो बांग्लादेश में अगर जैसे कि 15 अगस्त के बाद अगर कुछ अराइवल बढ़ता है तो फिर कुछ बाजार में माहौल देखने को मिलेगा? बांग्लादेश मीडियम गोल्टा गोल्टा गोल्टी ये सब खा रहा है, तो इनके बाजार जगह पे वैले ही तेज है। जो हम लोग जो रेट नहीं बेच पाते हैं वो लोग वहीं जी जी होलसेल मंडियों में बिक रहे हैं, लोडिंग मंडियों में जी। तो बांग्लादेश तो समझो मीडियम का खेल खेल रहा है। अच्छा जी, और अगर वो कमती बढ़ती वहीं का डिपेंड करेगा। हम लोगों का चल रहा है इस समय दिल्ली मोटा माल। अच्छा, मोटा माल मुक्कल है मोटा। अच्छा जी, बोला सर जी, एक बार शॉप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए जी। शॉप नंबर 41-9811-470108। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। और दोस्तों, आप चाहे किसान हो या व्यापारी हो, आप महाराष्ट्र के किसान हो या फिर अपने एमपी या फिर राजस्थान के, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं आपके एरिया में किस भाव में बिक रहा है, किस तरह का माहौल है और कितना परसेंट जो है प्याज सुपर क्वालिटी में अभी किसान या व्यापारियों के पास स्टॉक में है, और आने वाले दिनों में जो है आप लोगों को क्या लग रहा है कहाँ तक बाजार जाएगा, 30 रुपये देखने को मिलेगा, 40 रुपये, मतलब एक थोड़ा अंदाजा बता सकते हैं जिससे अनुमान लग सके क्या कुछ आगे माहौल बनने वाला है। और आप सभी को कुछ भी जानकारी चाहिए हो प्याज से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं जो आने वाले दिनों में जो है किस तरह का माहौल बन पाएगा और किस तरह का क्वालिटी देखने को मिलेगा। और दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।